गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि इलेक्शन का सिस्टम क्या है हमारे कंट्री में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कैन वी से डेट इंडियन इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक। अब आपसे कोई पूछेगा कि क्या आप बोल सकते हैं इंडियन डेमोक्रेसी का जो इलेक्शन है, ठीक है, जो पूरा वर्ल्ड का इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे जो इलेक्शन होता है, क्या वो इलेक्शन ठीक ठाक होता है, क्या फेयर इलेक्शन है, क्या वो डेमोक्रेसी को इंश्योर करवाता, तब आप क्या जवाब दोगे। तो अब इस चीज़ को पढ़ने के बाद, इस टॉपिक के पढ़ने के बाद, आप इंश्योर कर सकते हैं फॉलोइंग पॉइंट्स पे कि जो इलेक्शन हमारा कंट्री में वो डेमोक्रेटिक, फ्री एंड फेयर किस तरह होता है, क्या क्या सिस्टम्स है, तो ये सब चीज़ आप समझ जाओगे। ठीक है, To answer this question, let us take a look at how elections are held in India. ठीक है, लोक सभा एंड विधान सभा असेंबली। लोक सभा आपका, रुको पहले ये बात समझ जाओ, लोक सभा और विधान सभा होता कहाँ पे? ये लोक सभा जो हुआ ना, ये होगा पार्लियामेंट में। ठीक है, मतलब ये सेंट्रल लेवल पे, केंद्रीय लेवल पे। और ये विधान सभा जो हुआ ना, ये स्टेट लेवल पे होता है। ठीक है, स्टेट लेवल पे हुआ। जो फंक्शन लोकसभा सेंट्रल लेवल पे करती है, वही फंक्शन विधानसभा जो है स्टेट लेवल पे करती है। ठीक है, इस तरह से है। फिर आगे देखो क्या है। इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। बताएं पिछले लेक्चर में कि हर एक 5 साल पे इलेक्शन होता है। आफ्टर 5 ईयर्स द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम्स टू एन एंड। 5 साल के बाद क्या होता है, जो टर्म्स होता है, ठीक है, वो हर एक रिप्रेजेंटेटिव का एंड हो जाता है। मतलब कि आप अगर एक बार इलेक्ट हुए तो ऐसा नहीं है कि जीवन काल आप ही चुने रहिएगा। ठीक है, बस 5 साल के लिए, 5 साल के बाद चेंज हो जाएगा, फिर से कॉम्पिटिशन होगा, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होगा, और जो जीतेगा वो बनाएगा गवर्नमेंट। ठीक है, द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी एट द सेम टाइम, इधर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज। ठीक है, तो विधानसभा अगर सेंट्रल लेवल पे हो रहा है, मतलब स्टेट लेवल पे हो रहा है, सेंट्रल लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे हो रहा तो विधानसभा, और सेंट्रल लेवल पे हो रहा तो लोकसभा, वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है ना। और फिर जो इलेक्शन होती है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज होती है, या तो एक दिन में बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी का होता है इलेक्शन, है ना, और नहीं तो फिर डे बाई डे, फेज बाई फेज बांट के होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे 2 फेज में होता है, इंडिया में अक्सर 2 तरह से होता है। होता क्या कि एक सेम टाइम में होता बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन, ठीक है, और फिर फेज बाई फेज होता। अब ये कैसे होता है ये देखना, इलेक्शन आएगा तो पता चल जाएगा, है ना। शेड्यूल फिक्स किया जाता है कि इस जिला में इतने तारीख को है, इस जिला में इतने तारीख को है ना, इस तरह से करके। ठीक है, फिर देखो, दिस इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन। तो इस तरह का इलेक्शन को क्या बोलते हैं, जो 5 साल खत्म होने के बाद फिर जो पॉलिटिकल कंपटीशन चलता है, इलेक्शन चलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, जनरल इलेक्शन, है ना। लोकसभा, जो लोकसभा के लिए हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो किस इलेक्शन के थ्रू, दैट इज जनरल इलेक्शन। ठीक है, ये जनरल इलेक्शन है। समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रिजाइग्नेशन ऑफ अ मेंबर। ये मतलब एडवर्स सिचुएशन बन गया, मान लो किन्हीं का देहांत हो गया, है ना, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी खाली रह जाएगा, तो उसके लिए एक सिंगल सिर्फ इलेक्शन होता है। ठीक है, This is called a by election। ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए होगा तो उसे कहते हैं by election, BY, है ना, by election। ठीक है, और पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 5 साल का टेन्योर खत्म होने के बाद होता है, तो that is called the general election। ठीक है, general इलेक्शन। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शन। तो हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, जनरल इलेक्शन के बारे में।
ठीक है, अब देखिए क्या यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 1990 MLAs, ठीक है, स्टार्टिंग में पढ़ेगा ना कहानी हरियाणा वाला, ठीक है, 90 MLAs इलेक्ट होता है, यू मे हैव वॉन्डर्ड हाउ दे डिड दैट, वो लोग कैसे किए, डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 MLAs, तो क्या हर एक कोई 90 MLAs के लिए वोट किए, यू परहैप्स नो डिड, दिस इज नॉट द केस, इन योर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हम लोग का देश में क्या होता एरिया वाइज रिप्रेजेंटेशन चलता है, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज रिप्रेजेंटेशन है ना, द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन, दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड इट इज कॉल्ड द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या द एरिया द ज्योग्राफिकल एरिया विच इज डिवाइडेड फॉर द इलेक्टोरल पर्पज है ना, ठीक है, फिर ये भी बोल सकते हो द एरिया विच इज डिवाइडेड फॉर द इलेक्शन पर्पज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंसी, द वोटर हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, अब उस एरिया में जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो लोग वोट देंगे किसी एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए, मतलब जिन्हें इलेक्ट करना, ठीक है, कॉम्पिटेटिव तो बहुत सारे लोग हैं है ना, प्रत्याशी बहुत सारे हैं, लेकिन आप किसी एक को ही वोट दीजिएगा ना, सबको तो नहीं ना दीजिएगा, मतलब एक बार आप वोट देने गए तो एक ही बटन पे दबाइएगा ना, ऐसा तो नहीं है चार पांच पे दबा दीजिएगा, वही बोला जा रहा है कि हर एक लोग अब एक एक को चुनते हैं, ठीक है, फिर देखो फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन के लिए कंट्री कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी, पहले ही बात बताए जो चुने जाते हैं एमपी कहलाते हैं, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, यहां पे क्या है हर एक कोई का वोट का इक्वल वैल्यू है, चाहे वो ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान दे या कम पढ़ा लिखा इंसान दे, या चाहे वो ज्यादा उम्र दराज दे या न्यू कमर्स दे, ठीक है, इट इज वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड होता है ना, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को बांटा जाता है डिवाइड किया जाता है, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो होता है ना प्रोपोर्शन सेम होता, समझे, रेशियो प्रोपोर्शन जो होता है वो सेम होता है, फिर देखो सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब क्या कि अगर आपका विधानसभा के लिए इलेक्शन हो रहा है तो स्टेट जो होगा स्टेट लेवल पे काम होगा है ना, ऐसे अगर लोकसभा के लिए हो रहा है तो सेंट्रल लेवल पे काम होगा, इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्ट हुए हैं, दे आर कॉल्ड एमएलए है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जिसे हिंदी में विधायक बोलते हैं, ठीक है, और एमपी को हिंदी में संसद बोलते हैं, ठीक है, Each parliamentary constituency has within it several assembly constituency, ठीक है, हर एक parliamentary constituency में क्या होता है उसके अंदर बहुत सारे assembly constituency होते हैं, ठीक है, the same principle applies for panchayat and municipal election, देखो बात समझो बात क्या कह रहा, जैसे लोकसभा का इलेक्शन हुआ, ठीक है, तो एक कोई बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, ठीक है, एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, अब उस बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर छोटा छोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, ठीक है, छोटा छोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, मान लो कि पंचायत के लिए इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, ग्राम सभा के लिए,
सबसे ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कहा जाता है किसे, ग्राम सभा को, ठीक है। तो इसका इलेक्शन होगा तो इसका अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, गांव के अंदर होगा, जिस गांव के लिए हो रहा होगा उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया जाएगा। बात समझ रहे हो, डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, टूट जाएगा, जैसे जैसे ये आपका लेवल नीचे आता जाएगा ना, उस तरह जो डिवीजन है वो भी होता चला जाएगा, ठीक है। फिर देखो क्या आगे, ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इंटू सेवरल वार्ड्स डेट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। अगर मान लो म्यूनिसिपल इलेक्शन होता है, ठीक है, मेयर का, एक्चुअली जिस धनबाद में मेयर होता, ठीक है, कुछ शहर में मेयर होता, और मुझे यहाँ पता चला है कि यहाँ चेयरमैन होता है शायद, ठीक है। यहाँ का मुझे जो लोकल पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो पता नहीं है ढंग से, लेकिन जहां तक मैं पता किया हूं, जहां तक मुझे पता चला, यहाँ पे चेयरमैन होते हैं कोई हेड, ठीक है, और पार्षद, तो पार्षद रहते हैं हर एक वार्ड का। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये वार्ड बन जाएगा, है ना, वार्ड में तब्दील हो जाएगा, वार्ड वाइज रहेगा, ठीक है। ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी, मतलब क्या हुआ कि हम लोग पार्षद को चुनते हैं, ठीक है, फिर पार्षद मेयर को चुनता, यही सिस्टम चलता। तो आप अपना लोकल बॉडी में, आप अपना डिस्ट्रिक्ट में समझ जाइएगा क्या सिस्टम है। पार्षद तो पक्का होगा ही, ठीक है, पार्षद होगा कोई भी। अब वो पार्षद क्या होता, आगे एक मुखिया चुनता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इस तरह से वार्ड जो होता है सब डिवाइड हो जाता है। समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट्स वन सीट इन द असेंबली। फिर क्या होता है कि अब फिर सेंट्रल लेवल पे आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनता है ना, वो सीट के टर्म में काउंट होता है। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना, मतलब जो भी एक एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहे ना, कह रहे हैं हम लोग, वो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो एक सीट के तौर पे है। जैसे पढ़े थे ना 90 सीट्स आया, तो मतलब क्या हुआ कि 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जीते, मतलब आपको ज्यादा वोट दिया गया है, ठीक है, ये हुआ, समझे। देखो आगे, व्हेन वी से डेट लोक दल ओन 60 सीट्स इन हरियाणा, इट मीन्स डेट कैंडिडेट्स ऑफ लोक दल ओन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट एंड दस लोक दल हेड 60 एमएलए इन स्टेट असेंबली, ठीक है। यहाँ पे स्टेट असेंबली का सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ, जो पहले स्टोरी पढ़े थे स्टार्टिंग में ही, है ना। चलो आगे देखो, ये देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए, डायग्राम बोलते हैं, मैप दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी को, ठीक है। गुलबार्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का है ये। चलो अब क्या है, अब वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, उसमें एक होता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, कि उसे रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है, उसे रिजर्व कर दिया जाता है, वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। तो देखो आगे, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इनटाइटल्स एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हर हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको पूरा एकदम फ्रीडम दे रखा, ठीक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इनटाइटल्स एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव, दोनों छूट है। जिन्हें चुनाव लड़ना है वो आसानी से खड़ा हो सकते हैं, और जिन्हें चुनना है वो भी आसानी से चुन सकते हैं, है ना। फिर देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हाउएवर वेयर वरीड डेट इन एन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन सर्टेन वीकर सेक्शन मे नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्ट टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, ठीक है, उनका दूरदृष्टि गहरा था कि कुछ लोग, जो लोग हैं पिछड़े वर्ग से, वीकर सेक्शन, है ना, वीकर सेक्शन से जो लोग बिलोंग करेंगे, दो जो विल बिलोंग फ्रॉम वीकर सेक्शन, परहैप्स
दे मे नॉट सेलेक्ट, ठीक है, शायद वो नहीं हो, परहैप्स दे डोंट गेट सेलेक्ट, ठीक है। तो इसलिए वो लोग क्या किए हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कर दिए कि वहां से सिर्फ वीकर सेक्शन वाला ही लोग खड़ा होंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं और आगे पता चलेगा। ऐसे यहां पर मैं क्लियर कर दिया कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या, दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस एजुकेशन एंड कॉन्टेक्ट्स टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शन अगेंस्ट अदर्स, ठीक है। उनके पास रिसोर्सेस की कमी होगी, रिसोर्सेस की कमी होगी, हो सकता है एजुकेशन थोड़ा कम हो, कॉन्टेक्ट्स की कमी होगी, ठीक है। तो इस तरह वो इलेक्शन कैसे जीतेंगे, और इलेक्शन के लिए सारे चीज जरूरी है, रिसोर्स, एजुकेशन ना भी रहे तो चलेगा अपना भारत में, कॉन्टेक्ट होना चाहिए फिर, ठीक है। दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल मे प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन, ठीक है। और अगर किन्हीं के पास रिसोर्स ज्यादा है, ठीक है, मतलब और उनका कॉन्टेक्ट अच्छा है, तो क्या होगा कि जिनके पास नहीं वो इलेक्शन हार जाएंगे, है ना। इफ डेट हैपेंस आवर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जो उस वीकर सेक्शन का आवाज है पार्लियामेंट में, क्या हर एक का आवाज आता है ना, तो वो जो वीकर सेक्शन एक हम लोगों का है समाज में, वो वीकर सेक्शन का ना उत्थान नहीं होगा, उनका जो वॉइस है, ठीक है, उनका जो ग्रीवेंसेस है वो पूरा सदन तक नहीं पहुंच सकेगा, इसलिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी दिया गया। डेट वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक, क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबका पार्टिसिपेशन चाहिए, तो यहां पे सबका पार्टिसिपेशन इंश्योर नहीं हो रहा है, तो इसलिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कर दिए कि अब इंश्योर होगा। सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द वीकर सेक्शंस, सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। रिजर्व इनके लिए शेड्यूल्ड कास्ट ग्रुप से जो लोग हैं, दोज हु बिलोंग फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड दोज हु बिलोंग फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। इन अ सुप्रीम कोर्ट भी होता है, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, शेड्यूल कास्ट, यहां पे शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं। इन अ शेड्यूल कास्ट रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली समवन हु बिलोंग्स टू द शेड्यूल्ड कास्ट्स कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। अब देखो जैसे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ, ठीक है, अब वो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी किनके लिए है, ग्रुप ऑफ शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट के ग्रुप में जितने लोग आते हैं वो लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होंगे, ठीक है। हालांकि ये रिजर्व्ड है, आप खड़ा होने के लिए दूसरे जगह से भी खड़ा हो सकते हैं, लेकिन वहां आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बट यहां रिजर्व्ड है, आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है, ये बात है, ठीक है। तो अब वो लोग खड़े होंगे, जो जो लोग शेड्यूल कास्ट के ग्रुप में हैं वो लोग आसानी से खड़ा होंगे, ठीक है। फिर सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व फॉर एसटी, और इसी तरह, ठीक है, तो जो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब कैन कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व फॉर एसटी, तो वो अपना एसटी के ही लोग खड़े होंगे, ठीक है। फिर आगे देखो, करेंटली इन द लोकसभा 84 सीट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एससी एंड 47 फॉर एसटी, ठीक है, एज ऑन 26 जनवरी 2019 26 जनवरी के हिसाब से कितना, 84 सीट्स जो है एससी के लिए है और 47 सीट्स जो है एसटी के लिए, ठीक है। चलो, दिस नंबर इज इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन शेयर है, ठीक है, प्रोपोर्शन है, कोई भेदभाव यहां पे नहीं है। दस द रिजर्व सीट्स फॉर एससी एंड एसटी डू नॉट टेक अवे द लेजिटिमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप,
ऐसा नहीं है कि और वहां पे सोशल ग्रुप नहीं खड़ा हो सकता। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि प्रायोरिटी उन्हें मिलेगी, ठीक है, प्रायोरिटी उन्हें मिलेगी, लेकिन खड़ा सब हो सकते हैं, ठीक है। फिर देखो, दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। फिर ये जो प्रावधान है ना रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला, ये आगे तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट लेवल और लोकल लेवल का इलेक्शन तक इसको एक्सटेंड किया गया, ठीक है। इन मेनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज एंड कॉरपोरेशंस कॉरपोरेशंस लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर ओबीसी। अब ग्रासरूट लेवल पे जो इलेक्शंस होती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का और पंचायत के लिए, वहां पे ओबीसी के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व कर दिया गया है। However, the proportion of seats reserved varies from state to state. Similarly, 1/3 of the seats are reserved in the rural and urban local bodies for women candidate. ठीक है, अब क्या कि ये स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है कितना रिजर्वेशन कितना सीट का दिया हुआ, तो इसी तरह क्या है वुमेन्स को भी रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, कितना 1/3, ठीक है, कहां कहां रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, ये याद रखना 1/3 जो रिजर्वेशन वुमेन के लिए वो कहां इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, यहां पे वुमेन को भी रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है। तो चलो ये टॉपिक कंप्लीट, सो लीव इट हियर, फिर नेक्स्ट लेक्चर में वोटर्स लिस्ट करेंगे अच्छे से, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, डिस्कस करो अपने घर में पिताजी से मम्मी से जो भी सीनियर लोग हैं किस तरह वर्क होता है, ठीक है। जहां तक मुझे पता है कि तुम लोग का ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है कैमूर, ये शायद रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यहां पर मैं 100% सही नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंसी का यहां का, लेकिन जैसा अभी तक मैं जान सका हूं उस आधार पर बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये सब बात जो है डिस्कस करो और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करो, है ना, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो वोटर्स लिस्ट होगा। ओके, बाय, टेक केयर।